हेलो फ्रेंड्स, हमने खोली है टीवीएस की बाइक क्लच प्लेट चेंज करने के लिए। तो बोला तो पता चला किसी हमारे मैकेनिक भाई ने इसमें हीरो की क्लच प्लेट डाल रखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए पास से आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रही होगी हीरो की क्लच प्लेट इसमें डाल रखी है। इसे हम पहले खोलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं, बाहर निकालते हैं। बाहर सेंटर ठीक कंडीशन में है, अभी भी ठीक कंडीशन में दोस्तों। ये देखिए आप लोगों को दिख रही होगी, ये देखिए फोकस नहीं कर रहा दोस्तों कैमरा। ये देखिए हीरो की क्लच प्लेट डाल रखी है। तो हम इसमें टीवीएस की जेन्युइन क्लच प्लेट डालेंगे। चलिए क्लच इसकी सफाई करके फिर डालते हुए दिखा दोस्तों आपको दिखाते हैं कि हीरो की और टीवीएस की क्लच प्लेट में क्या फर्क होता है। ये है हीरो की क्लच प्लेट, आप देख सकते हैं इसमें लेदर है, जो लेदर की ऊंचाई होती है वो थोड़ी इसमें कम होती है, क्लच प्लेट की मोटाई कम होती है। हमारी टीवीएस की क्लच प्लेट आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस हीरो के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो हीरो की क्लच प्लेट अपन डालते हैं तो मिस्टेक आ जाती है उसमें, वो ज़्यादा समय तक नहीं चलती, दिक्कत करती है। देख ही सकते हैं आप लोग टीवीएस की क्लच प्लेट में कितनी मोटाई है लेदर में। चलिए तो क्लच प्लेट फिट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। चलिए फिर आगे की प्रोसेस बताते हैं आप लोगों को। पहले क्लच कटोरा हम फिट करेंगे। क्लच कटोरा फिट करने के बाद इसका पतला वाला जो वाशर होता है वाशर फिट करके लॉक लगाएंगे इसके। चलिए हम इसके लॉक लगा लेते हैं। ये कटोरी वाशर है, ये फिट कर देंगे। यहाँ तक की प्रोसेस अब हो गई हमारी पूरी। चलिए तो आप क्लच प्लेट फिट करके बताते हैं आपको। पहले एक हम क्लच प्लेट लेंगे, फिर एक प्रेशर प्लेट, इसका जो फ्लैट सिरा है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे। ऐसे ही सारी क्लच प्लेट हम फिट करेंगे, पहले एक क्लच प्लेट, फिर एक प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट का दोस्तों ध्यान रखें, फ्लैट सिरा अगर पहली क्लच प्लेट का आप ऊपर रखते हैं तो सारे ऊपर की तरफ रखें, अगर अंदर की तरफ रखते हैं तो अंदर की तरफ ही रखें। चलिए ये हो गई हमारी सेट, क्लच प्लेट बैठा देते हैं अब हम। इसमें दोस्तों किसी मैकेनिक ने हीरो की क्लच प्लेट डाल रखी थी जो आपको हमने आगे दिखाया था। टीवीएस की क्लच प्लेट ही डाला है इसमें। हीरो की क्लच प्लेट क्या है पतली होती है टीवीएस की क्लच प्लेट से, तो किक हल्की फुल्की स्लिप करती है, अच्छे से काम नहीं करती, बस इतनी दिक्कत आती है ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, पहले से किसी ने इसे छेनी से खोल रखा है तो हम इसे छेनी से ही कसेंगे, क्योंकि इसमें पुलर तो अब लग नहीं पाएगा। नट को छेनी से खोल रखा है किसी ने तो हम छेनी से ही कस देंगे इसको। चलिए नट को हम कस देते हैं।
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Standing tall, fear outweighed the person you are.